तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल यानी 18 अक्टूबर को होने वाले एसएससी एमटीएस की ऑल शिफ्ट की एग्जाम के कुछ बेनिफिशियल और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों बता दूँ, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसकी वजह से यह क्वेश्चंस आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों जिनका एग्जाम हो चुका है उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जीके के सेक्शन का वीडियो है। ठीक है, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, 2 नवंबर के बीच में किसी भी डेट पे उनका एग्जाम निर्धारित है, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली वीडियो हेल्पफुल रहने ही वाली है, क्योंकि मे भी शायद इसमें से कुछ क्वेश्चंस उसमें आ ही जाएँ। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम डायरेक्टली चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख पा रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में तैरता हुआ पार्क है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका सन 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भांड पाथिर किस राज्य का लोक कला है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, भांड पाथिर कहाँ का लोक कला है? जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, अगला प्रश्न, चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला प्रश्न, इक्वस कैबलस किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों इक्वस कैबलस घोड़े का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑस्टियोपोरोसिस किस विटामिन से संबंधित है? तो दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, अगला प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश में बस्तिले डे यानी बस्तिले दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश में? पांडुचेरी में। ठीक है, पांडुचेरी में बस्तिले डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक लेखक कौन है? तो दोस्तों थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राज्य में सबसे ज़्यादा क्रोमाइट का उत्पादन होता है? तो दोस्तों उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्रोमाइट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों पोल और फोकस के बीच में रखने पर हमेशा आपका जो छाया बनेगा वो बहुत बड़ा ही बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा तलवंडी में। ठीक है, कब हुआ था? सन 1469 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार स्पोर्ट्स से यानी खेल के क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सन 1951 ईस्वी में। ठीक है, सन 1951 ईस्वी में भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा से अपनाया गया है? ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रगान किस भाषा से अपनाया गया है? बंगाली या फिर बांग्ला भाषा से हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अपनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों माइकल फेल्प्स अमेरिका से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को सबसे कम उम्र में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा विलियम लॉरेंस ब्रैग को, इनको सबसे कम उम्र में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? ठीक है, तो संविधान का 20वां भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों धनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजरी किस राज्य की लोकगीत है? तो दोस्तों कजरी उत्तर प्रदेश की लोकगीत है। ठीक है, अगला प्रश्न, कितने रुपए के करेंसी नोट पर रानी की वाव
का चित्र अंकित है। तो दोस्तों 100 रुपये के जो नोट होते हैं उस पर रानी की वाव का चित्र अंकित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो दोस्तों अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, ठीक है। अगला प्रश्न, कठोर जल का क्या कारण है? तो दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड कठोर जल का मुख्यतः कारण होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों प्रथम संशोधन हमारे संविधान में सन 1951 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे होती है क्लास ख़त्म। हमें पूरी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।